मुझे आज भी याद है कि देयर वाज अ टीचर जिनका पर्पस ये होता था कि स्टूडेंट का दिमाग लगे ही ना, क्योंकि स्टूडेंट का दिमाग अगर लगेगा तो उसको समझ में आएगा नहीं, समझ में कम आएगा तो फीडबैक खराब होगा। ऐसा कोचिंग्स में इस तरह से कॉम्पिटिशन होता है, टीचर्स में काफी, तो उस तरह का जोन था। कोचिंग इंस्टीट्यूट में शामिल होने से पहले सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है, अपने आप से सचमुच पूछें कि क्या मैं नियमित रूप से 8 से 10 घंटे पढ़ने में सक्षम हूँ बिना विराम के, क्या मेरी ध्यान शक्ति इतनी है। अगर हाँ तो कोशिश कीजिए, और अगर उत्तर हाँ नहीं है तो अपने माता पिता को कहें, नहीं उन्हें ये कहकर मनाएं कि मैं IIT IIMS कर सकता हूँ या जिसके लिए आप जा रहे हैं। अगर आप फिर भी सहमत हो तो कृपया इंस्टीट्यूट को एडमिशन प्रोसेस जानने के लिए कॉल करें। यदि आप अपने कौशल को नहीं जान पा रहे हैं तो चुने गए कोचिंग के लिए एक प्रवेश परीक्षा दें, जो कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं, फिर आपको निश्चित रूप से पहचान होगी। अब आपके सवाल पर आते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक अंधेरी ओर होती है जिससे आप सामना करेंगे अगर आप वहां पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर आप एक अच्छे छात्र हैं जो अच्छे अंक प्राप्त करता है और अच्छी रैंक प्राप्त करता है तो सब ठीक होता है, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो चीजें आपके लिए उलट जाएंगी। अच्छे छात्रों द्वारा आपको अनदेखा किया जाएगा, शिक्षक आपकी ओर ध्यान नहीं देंगे, बजाय उसके आप बुरे आदतों में धकेल देने वाले कुछ विरोधी तत्वों से मुकाबला करेंगे जो आपको बिगाड़ देंगे और आपके करियर को नष्ट कर देंगे। आपके माता पिता की उम्मीदें आपसे अधिक होंगी क्योंकि वे ने आप पर बहुत सारा पैसा खर्च किया है, और यदि आप खराब परिणाम लाते हैं तो वे आप पर अतिरिक्त बोझ डालेंगे जो आपके मानसिक विकास के लिए बुरा होगा। आप हर जगह अपमानित होंगे क्योंकि सभी यह कहेंगे, देख लो कोचिंग दिला दी फिर भी कुछ नहीं कर सका। और सबसे बुरा हिस्सा है कि आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे, अपने कौशल अपनी प्रेरणा को नहीं समझ पाएंगे। दुनिया में अपमान, बुरे आसपास के माहौल और प्रवेश परीक्षा में असफल होने के बाद आप ड्रॉप करने जैसे निर्णय लेंगे या सबसे खराब मामले में आत्महत्या। तो मेरे दोस्त, मेरी सलाह को गंभीरता से लें। भारत में कुछ निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक अध्यापन पद्धति प्रदान करते हैं। इस पद्धति में छात्रों को सिर्फ याद करने और प्रैक्टिस परीक्षा करने के लिए पढ़ाया जाता है। इसमें मूलभूत समझ नहीं बढ़ाई जाती और छात्रों की सोच और विचार को आज़ादी नहीं मिलती है। ये संस्थान पिछले परीक्षा पेपर्स पर आधारित होता है और छात्रों को एक निश्चित शिक्षा ढांचे में बांध देता है। हर साल करीब 1 मिलियन छात्र कोटा नामक शहर में आते हैं। ये शहर राजस्थान राज्य में है और यहाँ इंजीनियरिंग, IIT JEE और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए कोचिंग संस्थानों का मुख्य केंद्र है। कोचिंग संस्थानों ने कोटा के स्कूलों के साथ समझौता किया है, जहाँ छात्रों को स्कूल की कक्षाएं छोड़ने दी जाती हैं और उन्हें केवल कोचिंग संस्थान की कक्षाएं जाने की अनुमति होती है। इन कक्षाओं में छात्रों को केवल इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स या मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए सिखाए जाते हैं। कुछ छात्र 2 साल तक याद करने और प्रैक्टिस परीक्षा करने की पद्धति में माहिर हो जाते हैं और वे IIT और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त करते हैं। इन छात्रों के लिए ये 2 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सिर्फ गंदी पढ़ाई पद्धति पर निर्भर होते हैं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन छात्रों को स्कूल में सिखाए जाने वाले महत्वपूर्ण विषय जैसे अंग्रेजी को छोड़ देना पड़ता है। इसके अलावा स्कूल और कोचिंग संस्थान के बीच बड़ा अंतर होता है। ऐसे संस्थानों द्वारा एक मानसिकता स्थापित की जाती है कि यदि आप एक कोचिंग प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए हैं तो आप भविष्य में सफल नहीं होंगे, और यह झूठ फैलाया जाता है। यह ऐसे निजी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से एक क्लासिक सेल्स पिच है, जिन्हें अपने विज्ञापन में अपने पूर्व छात्रों को प्रदर्शित करके दिखाया जाता है जिन्होंने इन कोचिंग के कारण प्रवेश परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास की हैं और अपने जीवन में सफल हुए हैं। मैं भारत में शिक्षा के निजीकरण में समझदारी रखता हूं, जो कि गुणवत्ता में सुधार कर सरकार की मदद कर सकता है, लेकिन यदि यह छात्रों को झूठी आकांक्षाओं और सपनों को बेचने की कीमत पर होता है तो मैं उस पर सहमत नहीं हूं, और विशेष रूप से ऐसे कोचिंग संस्थानों के लिए नहीं जिनका केवल उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यापार और शिक्षा के बीच एक संतुलन होना चाहिए जो लालच से नहीं आया जाता है। हाल ही में कोटा के एलेन करियर इंस्टीट्यूट की कमाई 100 करोड़ रुपए की अनुमानित आय छिपाई गई है। ये भारत के शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। यहाँ पूर्ण समाचार लिंक है। ये स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि ये कोचिंग संस्थानों ने शिक्षा क्षेत्र का पूरी तरह से वाणिज्यीकरण कर दिया है। हम जब ऐसे छात्र अपनी मूल्यांकन शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, तब हम बहुत अधिक कीमत चुकाने के लिए भुगतान कर देते हैं, और बहुत बड़ी समस्या यह है कि छात्र यह मानने लगते हैं कि किसी भी चीज को सीखने या सफल होने के लिए हमें कोचिंग संस्थान या निजी ट्यूशन में दाखिल होना चाहिए। ऐसा क्यों है, जरा सोचिएगा जरूर।